वेलकम बैक अगेन इन सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो है वो एरे की डेफिनेशन देखी और हम किस तरह से उसे डिफाइन प्लस इनिशियलाइज करते हैं वो हमने देखा. इस सेशन पर हम देखना चाहते हैं कि हम 1D एरे के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और विथ इट्स इंडेक्स नंबर. यानी मैं एक एरे डिफाइन करूँ, उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कराऊँ विथ इंडेक्स नंबर. ठीक है, यानी उन तमाम एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ. लिहाजा इसके लिए जो हमने ऊपर काम किया है, मैं इसे कमेंट करता हूँ. तो स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक स्लैश मल्टी लाइन कमेंट हो गया. इसके बाद हमें एक एरे डिफाइन इनिशियलाइज करना है. तो मैं एक इंटीजर एरे लेता हूँ जिसका नाम एरे रखता हूँ और इसमें 5 एलिमेंट डिफाइन कर देते हैं हम. तो 5, 3, ठीक है, 5 एलिमेंट हो गए. ठीक है, इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवाएं विथ इट्स इंडेक्स नंबर. तो आप देख रहे हैं कि जब हमने लूप पढ़ा था तो हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू सिक्वेंस पे जब चल रही होती है तो हम हमेशा लूप का इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर आई. इसके बाद हम फॉर का लूप बनाते हैं, आई इक्वल टू 0. मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. तो मैं कह सकता हूँ आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस. तो 0 to 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे. इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ द एलिमेंट इन एरे परसेंट डी एट इंडेक्स नंबर या ओनली एट इंडेक्स देन परसेंट डी. तो मैंने 2 दफ़ा यहाँ पर परसेंट डी लिखा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट होगा और यहाँ पर उसका क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडेक्स नंबर. तो अगर मैं फर्स्ट परसेंट डी की बात करूं तो यहां पर मुझे एलिमेंट प्रिंट करवाना है. लिहाजा एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए मुझे यहां पर लिखना होगा एरे ऑफ आई. ठीक है, और उसके बाद कॉमा डाल के मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है. लिहाजा इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आई. अगर आप बगौर देखो तो आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से. तो इसका मतलब है कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4. इसी तरह अगर मैं एरे ऑफ आई की बात करूं जो कि यहां पर लिखा हुआ है, तो एरे ऑफ आई से मतलब यह है कि पहले इंडेक्स की वैल्यू किसकी, ए डबल आर की. तो पहले इंडेक्स पर क्या लिखा हुआ है, 5, तो 5 प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद 3 प्रिंट हो गया, फिर 4, फिर 6 एंड फिर 9. तो लास्ट में हम स्लैश एन भी रखते हैं ताकि लाइन टर्मिनेट करें. एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. कंट्रोल एस करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ कि सेमी कॉलन नहीं है लास्ट पे. तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा आउटपुट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है. और अगर मैं इसे कंपेयर करके दिखाऊं अपने एरे से, तो आप बगौर देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि आप 5, 3, 4, 6, 9 एरे की वैल्यू लिखी हुई है. और अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो लिखा हुआ है द एलिमेंट इन एरे 5 एट इंडेक्स नंबर 0. फिर उसके बाद 5 के नीचे लिखा हुआ है 3, यही हमारा दूसरा इंडेक्स, दूसरी वैल्यू है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 6 और फिर लिखा हुआ है 9. और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन पे देखा था एरे के कि इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से. लिहाजा आप उसके इंडेक्सिंग को भी देख रहे हैं कि 0 to onward ये तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है. और हमने सक्सेसफुली दोनों चीज़ों को यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया. तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसके ज़रिए हमने क्या देखा कि हम एरे की तमाम वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सेस करते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर. ठीक है, और एलिमेंट पे जो वैल्यूज़ मौजूद है उसे किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं. नाउ अब हम आगे चलते हैं और इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि एरे के अंदर तमाम वैल्यूज़ का मैं सम किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ. यानी कि इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, मैं 5ों का सम फाइंड करना चाहता हूँ. लिहाजा हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन 1D एरे. ओके, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूं. ठीक है, एज इट इज एरे, इसी एरे को इस्तेमाल कर लेते हैं. आप चाहें तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉजिक हमारी हर के लिए सेम होगी. इसके बाद मुझे क्या करना है, इनका सम मालूम करना है. लिहाजा इंडेक्स नंबर भी बिल्कुल सही चल रहा है. मैं एक वेरिएबल लूंगा यहां पर इंटीजर सम इक्वल टू 0, क्योंकि इसको मैं यूज कर रहा हूं तमाम एलिमेंट को ऐड करने के लिए. अगर मैं 5 प्लस 0 करूं तो रिजल्ट विल बी 5.
ठीक है, तो जीरो में किसी नंबर को भी ऐड कर लें, उसमें किसी किस्म का कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, लिहाजा इसको हम इनिशियलाइज प्लस डिफाइन जीरो से करते हैं ताकि ये रिजर्व्ड रहे वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सेकेंड लाइन पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है, और इसके बाद मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस लॉजिक को अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले तुमने एक एरे डिफाइन किया हुआ है, इसमें पांच एलिमेंट बताएं, उसके बाद तुमने हर एक इंडेक्स नंबर को एक्सेस किया है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 तक गए आप, फिर आप कहते हो कि हर एक आइट्रेशन पर एरे की पहले इंडेक्स की वैल्यू को सम में ऐड कर दो, यानी ए जीरो का मतलब क्या है 5, फिर ए वन का मतलब क्या है 3, ए टू का मतलब है 4, ए थ्री का मतलब है 6 एंड ए फोर का मतलब है 9। तो ये एक एक करके सम के अंदर ऐड होता जा रहा है, यानी फर्स्ट आइट्रेशन पे इसकी वैल्यू चलती है 0 प्लस 5, फिर 5 प्लस 3, तो ये हो गया 8, 8 प्लस 4, ये हो गया 12, ठीक है, 12 प्लस 6, ठीक है 18, एंड 18 प्लस 9 फाइनल रिजल्ट, ओके। तो इस तरह ये एक एक आइट्रेशन पे तमाम वैल्यू को प्रिंट करता है और सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, लिहाजा अब मैं लूप से बाहर आऊंगा और यहां पर सम की वैल्यू को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो सम ऑफ एरे ऑल एलिमेंट %d कॉमा, और उसके बाद यहां पर मुझे वेरिएबल कौन सा लिखना होगा, सम, जिसके अंदर ये तमाम वैल्यूज स्टोर है। कंट्रोल एस करूंगा, जूम आउट करते हैं, F11 प्रेस करते हैं। अच्छा, ये मुझे कमिट करना होगा क्योंकि ये काम हमारा हो चुका है, लिहाजा मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल वी अगेन एंड रन द प्रोग्राम, और आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर वैल्यू 27 लिखी आ रही है, और अगर हम इसे कैलकुलेटर से भी करके देखें ताकि वेरिफिकेशन हो जाए हमारे आउटपुट की कि हमारा आउटपुट सही डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं, लिहाजा 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9, सॉरी अबाउट दैट, ओके। तो फर्स्ट नंबर है 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9, एंटर एंड इट्स वेरीफाइड, आंसर हमारा क्या आ गया 27 आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर ली कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, लिहाजा आप नंबर ऑफ एलिमेंट जितने चाहें आप बढ़ा सकते हैं, उसके बिहाफ पर हमारी लॉजिक हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और एलिमेंट यहाँ पर बढ़ाता हूँ 10, और साइज़ यकीनी तौर पर 5 से अब क्या हो चुका है यहाँ पर 6, तो मैं इसे 6 करूँगा, और साथ ही साथ नीचे भी यहाँ पर मुझे क्या करना होगा 6, कंट्रोल एस F11 एंड रिजल्ट चेंज नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट सम। नाउ इस सेशन पे अभी तक हमने दो एग्जांपल्स देखी एरे को, कि सबसे पहले हमने ये देखा कि एरे के एलिमेंट और इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके बाद फिर हमने उनका सम मालूम किया। अब हम मजीद आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि सम के साथ मैं उसके एवरेज को कैसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है, यानी एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट का सम करना और उतने ही एलिमेंट से उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, एवरेज कहलाता है। लिहाजा इसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ। इंडिविजुअल इसलिए करवा रहा हूँ अलग अलग ताकि चीज़ें हमारे लिए अलग अलग रहें और बातों को बाद में भी समझना हमारे लिए आसान हो जाए, ऑल दो तमाम कोड जो है मैं अपने ब्लॉग पर आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस कमेंट को मल्टी लाइन को मैं आगे लॉन्ग करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं एवरेज, तो एवरेज के लिए मैं सम के बाहर आता हूँ इस जगह पर, क्योंकि सम तो डिस्प्ले हो चुका है हमारे पास। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फ्लोट या डबल एवीजी। डबल एवीजी लेने की वजह ये है कि हमें पता है कि एवरेज जो है पॉइंट के साथ वैल्यूज पे डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जांपल 78 पॉइंट समथिंग 68 पॉइंट समथिंग, तो इसके लिए मैंने डेटा टाइप यहाँ पे क्या लिया, डबल लिया। नाउ अब डिवाइड करने का जो तरीका होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप चाहें तो ए डबल आर ऐसे करके लिख दें, ठीक है ना, लेकिन ए डबल आर लिखने की वजह से आप देखेंगे कि उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि उसको जब आप ए डबल आर लिख रहे हो तो ये तो
एरे का नाम है, उसे क्या पता कि ARR पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट हासिल करना चाह रहे हो नहीं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट हासिल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर आके लिखोगे a ऑफ i, अगर ये लूप के अंदर हुआ तो, अगर ये लूप के अंदर नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली हार्ड कोडेड भी यहाँ पर 4 लिख सकते हो। तो 4 का मतलब ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा 9, ठीक है ना। ये इंडेक्स नंबर को रीड करने का तरीका होता है, एरे ऑफ जो भी आप इंडेक्स नंबर लिखोगे वो वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, लिहाजा ये आउटपुट को डिस्प्ले उस फॉर्म में नहीं कर पाएगा जिस फॉर्म पर हमें चाहिए। लेट्स सी, हम पहले सिर्फ ARRR लिख के देखते हैं, ठीक है, और इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ AVG को प्रिंट करवाता हूँ ताकि हमें बात समझ में आए। तो प्रिंट एफ परसेंट एल एफ फोर डबल, ठीक है, और स्लैश एन कॉमा AVG, टर्मिनेट करता हूँ इसे भी, ऊपर वाली लाइन को भी F11 प्रेस करते हैं। और आप देख रहे हो कि किसी वक्त यहीं पर ये एरर है कि डबल AVG सम के बाद वो AR को डिस्प्ले एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक और काम करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ AVG के अंदर ARR को ले लेते हैं, ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। अभी भी इसका एक्सेस यहाँ पर पॉसिबल नहीं, लिहाजा इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना होगा, हम कंट्रोल सेट करके बैक आते हैं और यहाँ पर हमें नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स नंबर चाहिए हमें। सिक्स नंबर का मतलब ये है कि एरे का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी एरे का जो साइज है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना है। लेकिन मैं अगर हार्ड कोडेड यहाँ पर लिखता हूँ तो ये लॉजिकली तो सही बात नहीं हुई ना, कि मुझे तो नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, अगर मैं काउंट तो नहीं करूँगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आके लिखोगे सबसे पहले साइज ऑफ, ठीक है, हमने बिल्कुल शुरू की क्लासेस के अंदर पढ़ा था साइज ऑफ के जरिए से आप किसी भी डेटा टाइप के साइज को फाइंड करते हैं। तो साइज ऑफ एरे टोटल कितने साइज है, ठीक है, डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर। तो अगर आप बात करें साइज ऑफ एरे की और साइज ऑफ इंटीजर की, तो अगर सिर्फ साइज ऑफ इंटीजर की बात करें तो हर एक को ये अलग अलग साइज कंसीडर करेगा, ठीक है, और इन सब को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर मैं सिर्फ साइज ऑफ इंटीजर की बात करूं, मैं इसको हटा देता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, साइज ऑफ इंट को मैं डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं आपको F11। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट साइज ऑफ इंटीजर में कितनी बड़ी लिखी हुई आ रही है। इसकी वजह ये है कि हर एक नंबर को वो आपस में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है उसकी वैल्यूज और मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर आता है साइज ऑफ से। लेकिन इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। अब मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ एरे, ठीक है ना, ये साइज है यहाँ पर ARR इसका नाम है। F11 प्रेस करता हूँ, अब इसकी वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी आ रही है। लिहाजा अगर मैं इन साइज ऑफ एरे और साइज ऑफ इंटीजर को आपस में डिवाइड कर दूँ ना, तो जो आखिर में हमारा आउटपुट आता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। कैसे, मैंने यहाँ लिखा साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर, कंट्रोल एस F11, सॉरी अबाउट दैट, मैं इसको एक काम करता हूँ। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास क्या गलती है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिख रहे थे, यही वजह है उसका मेमोरी एड्रेस आ रहा था। और अब हमें ये चेक करना है कि साइज ऑफ इंटीजर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो मैं F11 अगेन प्रेस करता हूँ और अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि 6 लिखा आ रहा है और यही 6 इस फॉर्मूले के बिहाफ पर लिखा आ रहा है। इससे हमें पता चला कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंटीजर पे यहाँ पे लिखता हूँ नम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर वेरिएबल लेता हूँ डबल, क्योंकि हमने पहले डबल एवरेज लिया हुआ था, मैंने उसको इंटीजर कर दिया। चेक, इसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे सेपरेटली एक जगह मिल चुके हैं। इसके बाद मैं डबल AVG इक्वल सम डिवाइड बाय क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, इसकी जगह वैल्यू क्या लिखी हुई है, 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो भी मुझे कोई मसला नहीं। इसकी वजह ये है कि ये फॉर्मूला जो है हमारे पास साइज ऑफ एरे एंड साइज ऑफ इंटीजर, हमेशा डिवाइड होने के बाद इस नंबर ऑफ एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 हैं, हम इसको एक दफा देख भी लेते हैं यहाँ पर कि इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है नहीं। लिहाजा इस चीज के लिए मुझे क्या करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा यहाँ पर, और इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्लियर है। जैसे पहले हम 6 प्रिंट करवा के डिस्प्ले करके देख रहे थे, अब डिस्प्ले करके देखते हैं। F11 प्रेस करता हूँ और अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू अभी भी 6 है, क्यों है,
तो नहीं चाहिए. अच्छा जी, साइज ऑफ एरे आई, नंबर ऑफ एलिमेंट ही सही है. अच्छा जी, जो साइज है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, 2, 4, 6, 8, 10. तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, 10 करना है. और इससे भी हम 10 करते हैं, ऑल्दो हम सम तो डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं अभी. F11 प्रेस करता हूँ और अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे वही हो चुके हैं जो हमारे एरे पर मौजूद है. लिहाजा ये सक्सेसफुली हमारे लॉजिक वर्क कर रही है. बैक टू वर्क अगेन. और अब मैं क्या करूँगा, इस AVG को डिस्प्ले करवाना है मुझे, जो कि हमारा एवरेज है. और यहाँ पर हमें लिखना होगा LF. और इससे पहले मैं लिखता हूँ द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन एरे, कंट्रोल एस, F11. और आप देख रहे हो कि जो एवरेज है वो यहाँ पर 5 वैल्यूज की डिस्प्ले हो रही है. और इससे पहले जो आ रहा है हमारा वो सम ऑफ एरे आ रहा है. ऑल्दो अब सम ऑफ एरे को यहाँ पर मैंने एरे ऑफ आई लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे सम लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमने कोड कॉपी पेस्ट किया था ऊपर से. तो मैं इसकी जगह सम लिख देता हूँ, तो सम भी अपनी जगह बिल्कुल सक्सेसफुली डिस्प्ले होगा. F11 अगेन. और आप देख रहे हो कि 59 इसका सम है और 5 इसका क्या है, एवरेज है, जो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया. तो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा प्रोग्राम की, कि हम एलिमेंट और इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सेस करते हैं. फिर सेकंड में हमने उनका सम काउंट किया और सम करने के बाद हमने ये देखा कि हम उसके एवरेज को कैसे काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर. मजीद आगे चलते हैं और फर्दर एग्जांपल को देखते हैं. अभी तक हमने जो भी एरे पर काम किया है वो हार्ड कोडेड खुद लिखा है. अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट लूं. लिहाजा इस चीज के लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन पे देखा है कि आप चाहें तो एरे को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. और ये डिफाइन करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर नंबर लिख दें या नंबर ना लिखें. मैं क्योंकि यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, लिहाजा इसके लिए मुझे एक लूप की जरूरत होगी. लिहाजा मैंने लूप लिखा, 4 i = 0 एंड i लेस देन, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 एलिमेंट लेना चाह रहा हूँ एंड i प्लस प्लस बॉडी, ठीक है. हम चाहते हैं कि यहाँ पर 5 एलिमेंट आए, लिहाजा मैंने इसको यहाँ पर 5 डिफाइन कर दिया. आप चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी यूजर से ले सकते हैं, वो भी मैं अभी करके दिखाता हूँ. पहले हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर से लेना देखते हैं. इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ इंटर द एलिमेंट एट इंडेक्स, ठीक है. तो मैं वैल्यू ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर, ठीक है. आप वैल्यू कोई भी दे सकते हैं लेकिन इंडेक्स नंबर हमें पता है 0 से ऑनवर्ड चलता है. तो ये इंडेक्स नंबर हो गया और अब आप यहां पर अपनी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है. अब यहां पर मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है, लिहाजा इसके लिए मुझे यहां पर लिखना होगा आई, क्योंकि मैंने परसेंट डी लिया हुआ है. हम चाहें तो ये काम प्रिंट एफ में करते ही रहते हैं और यहां पर भी हमने किया. सेमी कॉलन से टर्मिनेट करूंगा स्कैन एफ. वैल्यू मुझे क्या करानी है, सेव करवानी है. इंटीजर एरे है तो परसेंट डी लूंगा, उसके बाद कॉमा एंड के साइन के साथ एरे का नाम विद इंडेक्स नंबर, ताकि हर वैल्यू उसकी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर में जाकर क्या होती रहे, स्टोर होती रहे. लिहाजा इस काम के बाद हम बाहर आ जाते हैं. बाहर आने के बाद अब मैं ये चाहता हूं कि जो वैल्यूज तुमने दी हैं वो तमाम वैल्यूज क्या प्रिंट हो जाए, ठीक है. लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा सबसे पहले प्रिंट एफ स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, तो 3 लाइन का गैप दिया ताकि ये हमें समझ में आए कि जो ऊपर वैल्यू लिखी गई है वो यूजर से ली गई है और नीचे जो वैल्यू है वो मेरे प्रोग्रामिंग के थ्रू बाद में क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है. लिहाजा इसके बाद हम बिल्कुल उसी कोड को ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पे किया था वैल्यू को आइट्रेट करने के लिए. तो ये हमारा कोड था, ठीक है. मैं कॉपी कर लेता हूँ उसे. कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं जो फर्दर हमारे पास कोड मौजूद है ऊपर, मैं उसे कमिट कर लेता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले आपने यूजर से वैल्यू ली, लेने के बाद 3 लाइनों का गैप किया. अब आप क्या कर रहे हो, लूप के थ्रू उन तमाम वैल्यूज को इंडेक्स नंबर के बिहाफ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हो. लिहाजा कॉमा आई वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने. अब इसकी वैल्यू द एलिमेंट ऑफ एरे इन एरे परसेंट डी एट इंडेक्स नंबर दिस. तो अब ए ऑफ आई के अंदर वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं, पहले वो एम्प्टी थी और उसके इंडेक्स नंबर की वैल्यू भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. लेट सी इसको चेक करते हैं कि क्या यूजर से वैल्यू ली जा रही है. कंट्रोल एस F11. तो सबसे पहले लिखा हुआ इंटर द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0. तो 0 पे तुम क्या लिखना चाहते हो, मैंने कहा 12, ठीक है. एंटर प्रेस किया, दूसरे इंडेक्स नंबर पे मैं आ चुका हूँ. फिर मैंने कहा 2, फिर मैंने कहा 13,
फिर मैंने कहा 50 और उसके बाद कहा मैंने 4, तो 5 वैल्यू हो चुकी है। एंटर प्रेस किया, 3 लाइन का गैप आया, और गैप करने के बाद आप देख रहे हो कि तमाम वैल्यूज विद इंडेक्स नंबर लिखी हुई आ रही है। पहले मैंने 2 दी थी, फिर 2, 12 के बाद 2, फिर 13, फिर 15 एंड 4, और उसी इंडेक्स नंबर से लिखी हुई आ रही है जिस इंडेक्स नंबर के रिस्पेक्ट से मैंने वैल्यू को क्या किया है, एंटर किया है। क्लियर? जूम आउट करता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एरे का साइज भी यूजर पहले बताए कि कितनी वो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा है। अभी तो आपने हार्ड कोडेड यहां पर क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है, तो अब मैं यहां पर लिखता हूं n, उसके बाद हम यहां पर आके डिफाइन करते हैं इंटीजर n, फिर मैं कहता हूं print f enter the number of या फिर enter the size of array, ठीक है, flash n, scan f, % d, ठीक है, क्योंकि ये जो है इंटीजर है, ऑल्दो हमारे हमने बिल्कुल फर्स्ट सेशन पे देखा है कि एरे जो है वो होमोजीनियस सीक्वेंस है, आप चाहें तो इस इंटीजर की जगह फ्लोट, डबल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद एंड के साइन के साथ हम एन को यूज़ करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एन में स्टोर होगा, और ये एन अब यहाँ पर आकर सेव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 10 लिखा, तो एन की जगह यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, 10। यकीनी तौर पे जब ये 10 है तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, 10 करना होगा, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं इस लूप पे भी जाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। जूम आउट करते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज बिल्कुल वैसे ही चल रही है। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करके चेक करते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मुझे साइज बताना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज बताया 7, तो 7 एलिमेंट में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो उसने पूछा भाई 0 इंडेक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड फिर 7। एंटर प्रेस किया और आप देख रहे हैं कि 7 वैल्यू मैंने पहले उससे, मेरे मशीन ने मुझसे पूछा कि आप एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, मैंने कहा 7, उसने 7 वैल्यू मुझसे पूछी, फिर 7 वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया अकॉर्डिंग टू द राइट इंडेक्स नंबर। क्लियर? ओके, तो इस सेशन के अंदर हमने डीपली तमाम चीज़ों को देखा जो कि बेसिक एग्जांपल्स थी एरे की, ठीक है। हम इन तमाम को अनकमेंट करते हैं और दोबारा से एक दफ़ा ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एरे क्या है, उसके साइजेस क्या हैं, ठीक है, कितने टाइप्स की हैं, फिर हमने उसके बाद इंडेक्स के बाद उसके सेंटेक्स देखा किस तरह से लिखा जाता है, फिर हम किस किस तरह से एरे को इनिशलाइज और डिफाइन कर सकते हैं हमने वो देखा, फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ गए और सबसे पहले हमने ये देखा कि एरे को किस तरह से उसके एलिमेंट को एक्सेस और उसके इंडेक्स नंबर को एक्सेस किया जा सकता है। फिर हमने आगे देखा कि हम उसके तमाम एलिमेंट को सम किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सम करने के साथ साथ मैं एवरेज किस तरह से डिस्प्ले कर सकता हूँ, और एवरेज के लिए हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया कि अगर साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट लिया हुआ है तो आप इंटीजर की जगह फ्लोट लिखेंगे, करेक्टर लिया हुआ है तो CHAR लिखेंगे, एंड सो ऑन, जो भी डेटा टाइप होगा। तो इसके बिहाफ पर उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर के बिहाफ पर हमें क्या मिल जाएगा, वो साइज मिल जाएगा। साइज पर आप हमेशा इंटीजर लेंगे क्योंकि साइज जो होता है एरे का वो हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, पॉइंट पर कभी भी मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरह से यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, और फिर इसी में एडिट करते हुए हमने ये भी देखा कि अगर मैं साइज ऑफ एरे यूजर के जरिए से डिफाइन करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल n का इस्तेमाल किया और साइज की जगह n लिखा, और उसके बाद सक्सेसफुली हमने उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद एक और सेशन है 1D के लिए, और उस पर वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम एक एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।